सभी लोगों को प्यारा गुड मॉर्निंग और आई होप सो सभी लोग अच्छे होंगे गाइस। इट्स बीन सो लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी टाइम के बाद जो है डेली व्लॉग बना रहा हूँ। अभी बीच में मैं ट्रैवल व्लॉग बनाया था, ट्रैवल जब मैं दोनों गया था, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना यार, नया साल है तो शुरुआत करी जाए डेली व्लॉग की। मेरे पास काम बहुत ज़्यादा रहते हैं और बिजी रहता है थोड़ा, कभी कभी मेरे को टाइम भी नहीं मिलता डेली व्लॉग डालने का। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं कंसिस्टेंट भी रहूँ और व्लॉग भी जो है शूट करूं और डालूं भी। मैंने सोचा कि मैं वीक में जो है 3 डेज़ डालूंगा और वो 3 डेज़ होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है, 3 डेज़ में मेरे को भी टाइम मिल जाएगा, शूट करने का भी टाइम मिल जाएगा। दूसरी चीज़ में शूट में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती, पहले भी मैं शूट कर लेता था हर रोज़, बट ये जो है एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहूँगा और 3 डेज़ डालूँगा तो थोड़ी मेरी हैबिट भी बन जाएगी। देन मैं जो है सोचूँगा आगे कि मैं इसको 3 डेज़ की जगह मैं इसको आगे भी बढ़ा सकता हूँ। तो आज जो है मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ वो चीज़ मैं लोगों को दिखाऊंगा। तो जस्ट अभी मैं जो है हॉट वाटर पी रहा हूँ, हॉट वाटर के बाद फिर मैं जो है अपना ब्रेकफास्ट करूँगा, देन दिन में जो है मैं जाऊँगा जिम। तो जो भी मैं पूरे डे लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँगा और बताऊँगा और आप लोगों से वार्तालाप करेंगे आगे। भाई मौसम इतना प्यारा हो रखा है आज, कल रात को मस्त बारिश हुई थी और लग रहा है आज भी बारिश होगी और हवा चल रही है मस्त एकदम। और लेकिन इतनी ठंड नहीं है, वैसी वाली ठंड नहीं है कि मुझे लगा बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी, वैसी ठंड नहीं है, बट अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग की शुरुआत मस्त मौसम के साथ हो रहा है, बस कल जो है धूप आ जाए यार, बहुत ठंड भी लग रही है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी। और बाकी मुझे लग रहा था यार कि मैं काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग बना रहा हूँ, डेली व्लॉग बना रहा हूँ, पता नहीं कैसे बोलूँगा कैसे नहीं बोलूँगा, बट थोड़े टाइम के बाद फर्स्ट 1 मिनट मेरे को अजीब सा लगा, लेकिन अब सही लग रहा है, ओके लग रहा है। गाइस आगे के दिन की शुरुआत करते हैं क्योंकि वरना ऐसे ही सारा का सारा दिन निकल जाएगा। मसूर की दाल ये ब्लैक वाली, ये रही, तो मैं सोचा ये बना लेता हूँ, ये मेरे को अच्छी भी लगती है। बाकी चॉपिंग वगैरह मैंने कर दी है, ऑयल गर्म हो रहा है, thank you।
गाइस सो गाइस फाइनली भैया मैं निकल गया हूँ जिम के लिए और मैं हो चुका हूँ लेट। 3:30 मेरे को जिम पहुँचना था और बट मैं ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुका हूँ। ठीक है, इसके अकाउंट से ना कुछ पैसे डिडक्ट हुए थे तो हमें पता नहीं चल रहा था कि कहाँ क्यों, मतलब किस रीज़न की वजह से जो है मनी डिडक्ट हुआ है। तो फिर हमने अगर SBI में कॉल मिलाया और SBI की सर्विस तो आप लोगों को पता ही है कितनी महान है, तो उसी में थोड़ा टाइम निकल गया और काम भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो आके करेंगे काम वाम वरना जिम छूट जाएगी, जो इम्पोर्टेंट है भाई। आज जिम, बिना जिम के दिन नहीं कटता मेरा। फाइनली भैया जिम विम कर लिया अपने आज, बढ़िया शोल्डर और चेस्ट करी। शोल्डर के टाइम पे लाइट चली गई थी तो इसलिए शूट इतना करा नहीं। बाकी अब पी रहे प्रोटीन, जाऊँगा इसके बाद फिश लेने के लिए, उसके बाद घर, देन उसके बाद फिर वही ऑफिस। तो यही रूटीन है। हाँ मज़ा आ गया। ओके चलते हैं फिश लेते हैं क्योंकि बहुत दिन से फिश नहीं खाया। ट्यूजडे को मैं वैसे ही नहीं खाता, देन वेनेसडे को भी नहीं खाया, फिश ख़त्म थी। थोड़ा चिकन बचा हुआ है, सोच रहा फिश भी ले लूँ, मौसम भी बढ़िया हो रहा है। और अगर ज्योति का मन करेगा फिश खाने का तो पकोड़े बना लेगी मस्त, तो वो भी खा लेगी। अच्छा जी, तो बताओ कि मेरे को रातों खाना मिल जाएगा? चाय तो मिले पहले। मिल जाएगा ना फिर मेरे को? तो मैं चाय का दिखाऊं। कैसी बनी है चाय? सही बनी है, बढ़िया। गाने सुने जा रहे हैं गाइस और आराम फरमाया जा रहा है और हमसे काम करवाया जा रहा है। एक्चुअली क्या गाइस, हमने ड्यूटी बात रही है अपनी शाम की चाय। वो कहते हैं ना ड्यूटी क्या, जो कहते हैं ना अगर एक बार आप किसी को कुछ अच्छी चीज बना के दे दो तो आपकी गलती हो जाएगी, तो उस दिन से आपको ही बनानी है वो चीज। और वो आप इस चेहरे की मुस्कुराहट से पता कर सकते हो कि ये बात सच है। क्या सच है? चाय क्या बना के मैंने इसको पिला देगी बात थी, अब से तो वैसे चाय बना रही है मेरे से ही। आप तो अच्छी बनाते हो ना, अब इसमें क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है? अच्छा तो तू फिश पकौड़ा बहुत बढ़िया बनाती है, तो तू बनाएगी आज मेरे लिए ठीक है? शिफ्ट जो है ख़त्म होने को जा रही है, अभी भी हाफ एन आवर है। और मैंने सोचा कि
मैं तो आज भी ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा था और थोड़ा बिजी था, जस्ट अभी उठाऊँ थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, तो मैं ये ब्लॉग भी जो है वो एंड कर देता हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही था, आई होप सबसे भी लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप सभी लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं।